और इस शो के होस्ट आर्जा एंकर कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हम हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में बहुत से अलग अलग फील्ड के लोगों को बुलाते हैं, अलग अलग इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, अलग अलग फेडरेशन के बारे में, फाउंडेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। और वैसे ही आज मेरे साथ यहाँ पर फेडरेशन ऑफ तेलुगु एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र दैट इज FTEM की पूरी टीम यहाँ पर आई है। पूरी टीम मतलब जो कोर टीम है वो यहाँ पर आज मेरे साथ जुड़ी हुई है। सो आज पहले स्वागत करेंगे हमारे रेडियो में जगन बाबू गाजी सर का, जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ FTEM। उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी अशोक कंठे सर, जो FTEM के जनरल सेक्रेटरी है, और अंजलि माचा, जो कि हमारे यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। शी इज अ मॉडल एक्ट्रेस और इसके अलावा शी इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ FTEM। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की ये जो बातचीत है, आज की ये जो हम यहाँ पर बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं FTEM के बारे में। सो सर बेसिकली मैं आपसे स्टार्ट करूंगी कि FTEM दैट इज द फेडरेशन ऑफ तेलुगु एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, तो मुझे आज बहुत ही अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि महाराष्ट्र में तेलुगु लोग बहुत ज्यादा बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा तेलुगु लोग हैं। तो आपने ये फेडरेशन, ये फाउंडेशन वैसे चालू कब किया है और क्यों किया है? यस, नमस्ते, थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आचार्य FM एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। बहुत खुशी है। महाराष्ट्र में तेलुगु समाज बहुत बड़ा है। जब से शिवाजी का समय से तेलुगु समाज यहाँ पे है। शिवाजी का जो किला बनाया उसमें तेलुगु समाज ने बहुत किया। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हुआ जिसमें 105 हुतात्मा हुए, उसमें भी एक दो तेलुगु समाज के लोग शहीद हो गए। तो तेलुगु समाज बहुत बड़ा है, जिसने मुंबई का निर्माण में तेलुगु समाज का बड़ा योगदान है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो ओरिजिनली तेलुगु समाज के है, जब ब्रिटिश के टाइम पे वो लोग ब्रिटिश का प्लान आता था और तेलुगु समाज के लोग यहाँ पे आए, मुंबई ब्रिटिश स्टेशन, BMC थाना में हॉस्पिटल, सायना हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में तेलुगु समाज बहुत बड़ा योगदान है। और अभी हर एक कंपनी में तेलुगु समाज के लोग हैं। IT क्षेत्र में, बीच में टेक्सटाइल मिल्स में भी तेलुगु समाज है। अभी मेरे फादर और ग्रैंडफादर तेलुगु समाज के जो टेक्सटाइल मिल्स में थे, तो उन्होंने तेलुगु टेक्सटाइल मिल्स में बहुत काम किया। अभी नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा इंजीनियर्स हुआ, फिर टेक्निकल में गए। और तेलुगु में, महाराष्ट्र में कम से कम 1000 से ऊपर तेलुगु समाज के संस्था है। और तेलुगु समाज का जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 50 लाख प्लस है। पूरा महाराष्ट्र का जो तेलंगाना बॉर्डर जो है, एक 800 किलोमीटर का बॉर्डर है। बॉर्डर के दोनों बाजू तेलुगु समाज के लोग है। और विदर्भ, चंद्रपुर, शोलापुर, भिवंडी, पूना, शिरडी, शिरडी में जाएंगे तो बहुत सारे तेलुगु बोर्ड्स है। शिरडी में जितने लोग आते हैं उसमें 70% तेलुगु समाज के लोग है। तो ये तेलुगु समाज जोड़ा बिखरा हुआ है और एक जगह पे नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि ये सब लोग को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने फेडरेशन ऑफ तेलुगु एसोसिएशन बनाया। इससे पहले हम महाराष्ट्र तेलुगु मंच के माध्यम से हम काम करते थे, लेकिन महाराष्ट्र तेलुगु मंच का एक्टिविटीज थोड़ा सा अलग थे। तो फेडरेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि सबको लेके जाना जरूरी है। तेलुगु समाज में एक थोड़ा सा है कि लोग और कास्ट के ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड आउट हुए। तो अभी कास्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। तो तेलुगु भाषा है उसको इम्पोर्टेंस बहुत देना चाहिए। इसीलिए हम तेलुगु भाषा को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमने फॉलो अप किया। महाराष्ट्र स्टेट तेलुगु साहित्य अकादमी करके एक सेटअप हो गया। अभी ये साल में हमारा GR आ गया, अगले साल से उसका काम शुरू होगा। उसका एनुअल बजट है 1 करोड़। तो 1 करोड़ में यू कैन इमेजिन हम पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। तो तेलुगु भाषा, तेलुगु और मराठी का बहुत बड़ा कोरिलेशन है। जैसे तेलुगु में हम लोग अक्का बोलते हैं, मराठी में भी अक्का बोलते हैं। तो तेलुगु मराठी वर्ड्स इतना कॉमन है। तो तेलुगु भाषा का कोई बुक्स हम लोग मराठी में भी लाना चाहते हैं। कुछ अच्छे मराठी बुक्स हम तेलुगु में भी लाना चाहते हैं इसके माध्यम से। जो भी तेलुगु भाषा में लिखने वाले है और उनको हम पुरस्कार भी देना चाहते हैं इसके माध्यम से। एक बहुत बड़ा एक्टिविटीज है और पिछले 4-5 साल से हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे कि चिन्नजीआर स्वामी का बहुत बड़ा हमने चन्नकोन द्वार में प्रोग्राम किया है, उसको 3,500 लोग आए थे। अभी रिसेंटली घर की पार्टी का प्रोग्राम हमने किया है बॉम्बे में, चंबूर में किया, ये बाजू में अपना फाइन आर्ट्स में। अभी लास्ट वीक में हमने शोलापुर में प्रोग्राम किया। वहाँ पे ऑल ओवर महाराष्ट्र में काम चल रहा है। शोलापुर का 2 दिन का प्रोग्राम था, सैटरडे संडे 21st 22nd। फर्स्ट डे 1600 लोग आए,
सेकेंड डे वो देख के 2500 लोग आए, तो हॉल हमको कम पड़ गया। तो अभी नेक्स्ट बतकम्मा प्रोग्राम है जो अशोक बताएंगे पूरा डिटेल्स। ये जो फेस्टिवल्स है, हम तेलंगाना और आंध्रा ये दोनों तेलुगु स्टेट्स है और तेलुगु में हमारा भाषा कॉमन है, तेलुगु भाषा और फेस्टिवल्स। सारे फेस्टिवल जो आंध्रा में होते हैं यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे लोग दे शुड नॉट फील कि भाई हम लोग वी आर मिसिंग समथिंग। तो तेलुगु हम अलग हमारे ब्रांच से या फिर हमारा स्टेट से अलग रह रहे, ऐसे फील ना हो, ये जो मेन कंसर्न है आपका। Absolutely. Yes. अभी IIT बॉम्बे में भी तेलुगु के कम से कम 3000 बच्चे है। Yes. उनके लिए भी हम लोग करते हैं, क्योंकि दे डोंट मिस घर का होम फूड फील, जो फेमिलियर जो एक फील रहता है ना, कि मैं अगर मेरे स्टेट से थोड़ा अलग दूर रह रहा हूँ तो वो मुझे कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है। और बेसिकली हम महाराष्ट्र में सभी अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग सब लोग मिलकर रहते हैं। जो भी कोई फेस्टिवल हो तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अभी सर बताने वाले वो एक बड़ा फेस्टिवल जो अभी नवरात्र में आ रहा है, तो एक अलग अलग फेस्टिवल जब सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें ही हम हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन वो सब जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं बेसिकली। सो मैं अभी अशोक सर के पास आऊंगी। सर बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कोई भी फेडरेशन, कोई भी फाउंडेशन है उसे रन करना या फिर उसे प्रॉपरली आगे लेके जाना। सर के साथ आपका भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो भी काम आप सब लोग करते हो। मैं पूछना चाहूंगी कि अभी तक के कौन से इवेंट्स, कौन से काम, कौन से प्रोग्राम्स हमारे फाउंडेशन के ओर से किए गए हैं और आगे के लाइनअप में कुछ क्या क्या प्रोग्राम्स है। श्योर। अभी तक जो है हम लोग ट्रेडिशन, कल्चर एंड लैंग्वेज वी आर प्रिजर्विंग दैट मेन थिंग। हम जैसा मदरवुड यहाँ पे आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से आए हुए लोग है, बसा हुआ है, प्रॉपरली सेटल हुआ है, मगर उनको मदरहुड जो है भूलना नहीं चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। वो कार्यक्रम में मेन मैट्रिमोनल का करते हैं, बाद में कल्चर जो प्रोग्राम्स है, बतकम्मा है, संक्रांति है, मुग्गुल पोटीलु मुझे रंगोली, हिंदी में बोलने के लिए रंगोली, वो हमारा जनवरी में आते है संक्रांति में, तो वो आंध्र प्रदेश में ज्यादा करते हैं। बतकम्मा जो है वो तेलंगाना का फेस्टिवल है, आंध्र का जो है वो मुग्गुल पोटीलु एंड संक्रांति संबरालु। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग एंड बोनालु कल्चर एंड ट्रेडिशन वो प्रिजर्व कर रहे हैं और हर एक प्रोग्राम करते हैं। जैसा हमारा अध्यक्ष ने कहा है, आध्यात्मिक चिन्नाजीआर स्वामी का प्रोग्राम किया है, गरका पाटी का किया है, स्पिरिचुअल एवरीथिंग वी आर कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स टू प्रोवाइड। मुझे हमारे लोगों को कुछ कमी नहीं लगना चाहिए कि ये नहीं हो रहा है। अच्छा। प्रोग्राम बोलो, फेस्टिवल बोलो, हर चीज, लेक्चर्स बोलो, स्टूडेंट्स फेलिसिटेशन बोलो, SSC, HSC और टीचर्स फेलिसिटेशन। जहाँ में कई लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स का फेलिसिटेशन करते हैं, हम क्या करते हैं टीचर्स ने तो स्टूडेंट्स का से वही मेन मेंटर रहते हैं उनकी वजह से। एग्जैक्टली दैट वी आर डूइंग। द अदर थिंग अभी जो पंडित लोग है तेलुगु का स्पिरिचुअल का, तो उनका भी हम सम्मान करते हैं, टीचर्स का भी करते हैं, स्टूडेंट्स का भी करते हैं, उनका भी करते हैं। और बाद में ऐसा हमारा अंजलि जैसा जो भी फील्ड में अगर माई फील्ड में लोग जो भी कुछ कर रहे हैं उन सबका, या अभी तेलुगु मेलावा किया था ठाणे में डॉक्टर काशीनाथ गानेकर हॉल में, उसमें हमने अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसा कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप में जो अच्छा कर रहा है, यानी उसको बढ़ावा देने के लिए, तो बाद में कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड कोई फील्ड रहे तो उनको भी हम एनकरेज कर रहे हैं। तो वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन आवर तेलुगु कम्युनिटी। एट द सेम टाइम वी आर व्हाट वी आई से इज महाराष्ट्र के बराबर आमचा मन है एक तेलुगु आई आणि मराठी मावशी। क्या बात है। तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि आप सभी लोगों को साथ में मिलकर साथ में लेकर चल रहे हैं। सो लिसनर्स, हमारे आज के ये स्पेशल इंटरव्यू में मतलब
हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और कम्युनिटी के लिए भी FTM जो है वो काम करता है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए. और वैसे ही आज हम FTM के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ले रहे हैं, किस तरह से प्रोग्राम्स होते हैं, क्या रीजन क्या था ऐसे सब प्रोग्राम्स करने का. तो एक बहुत अच्छा लगा सुन के कि बहुत बार ऐसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हमारी कंट्री से कहीं बाहर कंट्री में जाते हैं तो हमें जो वो लोनलीनेस फील होता है कि मैं सब मेरे फैमिलीज को मेरे सभी त्योहार को मिस कर रहा हूँ, तो ऐसे जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स ना आए इसलिए ये सब कम्युनिटी काम कर रही है. तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के. आगे भी जो हमारी ये आज का जो स्पेशल पॉडकास्ट है स्पेशल इंटरव्यू है वो ऐसे ही चालू रहेगा, लेकिन एक समय है ब्रेक का, तो लिसनर्स कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो के होस्ट आचार्य एंकर कोमल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ. आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और हमारे साथ आज फेडरेशन ऑफ तेलुगु एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र FTM के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और उसके साथ साथ उनके ब्रांड एम्बेसिडर, ये पूरी टीम आज हमारे साथ हमारे इंटरव्यू में जुड़े हुए हैं. सर मैं अभी फिर से एक बार आपके पास आऊंगी कि जैसे हमने पहले मतलब ब्रेक के पहले हमने देखा सुना कि क्यों हमने ये फेडरेशन शुरू किया, वो मकसद क्या था हमारा. लेकिन जैसे कि अशोक सर ने भी कहा कि बहुत सारे इवेंट्स बहुत सारे प्रोग्राम्स आप करते हो कम्युनिटी के लिए, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं लेकिन बहुत कुछ करते समय इवेंट्स करते समय वी नीड फंड्स वी नीड मनी, क्योंकि हम कुछ भी चीज करते हैं आजकल कोई भी चीज है वैसे ही नहीं मिलती. सो उसके लिए हर एक चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है. तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? यस, फंड रेजिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, यह हमेशा रहता ही है. एंड हमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, इट इज ऑल प्राइवेटली फंडेड. व्हेन इट इज ए एसोसिएशन एंड इट इज ए फेडरेशन, कोई भी प्रोग्राम का बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि एक हॉल है इम्पोर्टेंट है, गेस्ट है, ट्रैवलिंग है, फूड है. तो हम क्या करते हैं हमारे ग्रुप में या हमारे एसोसिएटेड कंपनीज में, हम बोलते हैं कि हु विल टेक द बिल ऑफ द हॉल, हु विल टेक द बिल ऑफ द फूड, हु विल टेक द बिल ऑफ द यू नो गेस्ट. तो हम लोग ऐसा बिल्स जो भी आइटम्स है हम लोग बांट लेते हैं. अच्छा, सो इसमें क्या है, वी डू नॉट एनकरेज पीपल गिव अस मनी और चेक. जितना हमें कम पैसा दिया उतना अच्छा हमारे लिए. सो समबडी टेक्स केयर ऑफ द हॉल, ही विल गिव द चेक डायरेक्टली टू द हॉल, हॉल विल गिव द बिल रिसीव टू हिम, समबडी गिव्स द फूड. सो ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रस्ट होता है इसमें. किसी ने अभी स्वीट्स का फूड का पैकेट बनाया तो यू डायरेक्टली पे टू द वेंडर, वेंडर विल डिलीवर द फूड और फूड के ऊपर उसका स्टिकर रहेगा सपोर्टेड बाय सो एंड सो. सो दिस इज द मॉडल वी आर डूइंग एंड हम लोग 80-90% ऐसे ही करते हैं. सो इसके पीछे मैं ये बहुत यू नो 100% श्योरली मैं कहना चाहूंगी कि ये नॉन प्रॉफिट बेस्ड काम कर रहे हैं और जो भी है हमारा मकसद जो है वो बहुत ही क्लियर है, हमारा विजन जो है वो बहुत ही क्लियर है कि ये सब हमारी कम्युनिटी लोगों के लिए, कम्युनिटी के लोगों को सबको साथ में लाना और उनके लिए कुछ काम करना. क्योंकि जैसे कि आपने कहा वो बहुत ही मतलब अच्छा लगा. बहुत बार ऐसे होता है कि अगर मुझे मेरा खुद का प्रमोशन करवाना है या फिर मैं कुछ करना चाहती हूँ, अगर मुझे कुछ आगे जाना है तो मुझे ही खुद पैसे देने पड़ते हैं बार बार. अभी सब जगह पर ऐसे ही चल रहा है बल्कि. तो आपने जो एक कॉन्सेप्ट लाया है वो बहुत ही अच्छा है. अशोक सर मैं आपके पास आऊंगी. स्टूडेंट्स के बारे में आपने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए आप अलग अलग प्रोग्राम करवाते हैं. सर ने बताया कि IT में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं. स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और उनके लिए फीडबैक क्या मिलता है? हम लोग क्या UPSC MPSC काउंसलिंग करते हैं कि SSC के बाद में क्या करना चाहिए. एजुकेशन फेयर रखते हैं आंध्र महासभा में. लास्ट ईयर मई 7th को एजुकेशन फेयर किया था. मंगल प्रभात लोधा जी के साथ में टाई अप करके उनका जो स्टॉल्स वगैरह है कम से कम 20-30 स्टॉल्स. जॉब्स क्रिएटिविटी यानी जॉब के लिए कोई किसी को चाहिए तो जॉब फेयर एवरीथिंग इंक्लूडिंग ऑल स्टूडेंट्स काउंसिलिंग एंड जॉब फेयर दैट उनको एनकरेज करना करने के लिए. मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जरूरत भी आजकल काउंसलिंग की बहुत बार पड़ती है, तो वो सब आप प्रोवाइड कर रहे हो. क्या करना है SSC के बाद क्या करना है?
करियर गाइडेंस एवरीथिंग, यूपीएससी एमपीएससी आल्सो, क्या करना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए स्टडीज वगैरह, उसके लिए आसान होएगा. तो अपने कम्युनिटी से भी आईएएस आईपीएस होना चाहिए, हम लोग का सोच है, वी आर एमिंग दैट. यस डेफिनेटली. सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये फाउंडेशन ग्रो करने का, फाउंडेशन बनाने का जब आपने सबने मिलकर ये किए डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद जब वो चीजें इम्प्लीमेंट होती है तब कुछ डिफिकल्टीज आई ये सब करने में या फिर आगे बढ़ने में, कुछ इवेंट्स प्लान अप करने में? नहीं, डिफिकल्टीज तो रहता ही है जब व्हेनेवर वी वांट टू डू समथिंग, कुछ भी करना है तो चैलेंजेस रहता ही है. बट हमारा टीम बहुत अच्छा है, मेरे साथ अशोक, सुभाष, अंजलि और बहुत सारे डॉक्टर ऐश्वर्या और हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर पी वी रमना और हमारे दूसरा हमारा एक सीनियर सिटीजन होम का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसके लिए हमने एक 5 एकड़ का जगह भी खरीदा है, वो सेपरेट एंटिटी है, आनंद लेन सीनियर सिटीजन होम. और एक हमने ग्रुप बनाया वृंदावन फार्म्स, जिसमें 3 एकड़ की जगह है, वहाँ पे गौशाला चलाते हैं हम. ये बॉम्बे पुणे के बीच में है, खोपोली में. तो वी इन्वाइट ऑल द लिसनर्स टू कम देयर एंड स्टे वन डे. वहाँ से बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, कॉलेज के बच्चे, एनएसएस के कैंप वहाँ पे होते हैं और आसपास के गांव में वो लोग सेवा करते हैं, तो वो भी हम फैसिलिटीज देते हैं. चिल्ड्रन कैन कम स्टे देयर फॉर 2 डेज 3 डेज सर्विस इन द नियर बाय एरियाज. एंड हमारा जो मॉडल है सोशल एंटरप्राइज मॉडल, मतलब कोई भी काम किया तो उसको सस्टेन होना जरूरी है, बिकॉज अभी तक हमने कोई लॉस का काम नहीं किया है. ये हमारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पीपल आर सपोर्टिंग. और हमारी टीम इतनी बड़ी है, शोलापुर में टीम है, भिवंडी में टीम है, शिरडी में टीम है, औरंगाबाद, चंद्रपुर, सब जगह पे टीम है. और एफटाइम एक बहुत बड़ा, अगले 3-4 साल में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा. हर एक तेलुगु समाज के लोग कभी सोचना नहीं चाहिए कि मैं अकेला हूँ, वी आर विथ यू एंड वी आर देयर फॉर एवरीबडी. हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है, किसी को भी कुछ भी करना चाहे तो वो प्लेटफॉर्म हमारा रेडी है. इवन यू डोंट हैव मनी ऑल्सो कम, यू ब्रिंग द आइडिया एंड यू स्टैंड देयर टू एग्जीक्यूट इट एंड वील बी सपोर्टिंग यू. बहुत सारे लोग के पास आइडिया रहता है, पैसा भी रहता है, क्रिएटिविटी रहता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं रहता है. तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे खुद का टीम है, एक तेलुगु मीडिया का पूरा एक यूट्यूब चैनल है. तो हमारा सर्कल में, नेटवर्क में कोई भी चीज रखेगा, इट गोज टू लैक्स ऑफ पीपल. सो ये जो मॉडल हमने बनाया, ये हर एक के लिए काम आएगा. और जो भी किसी के पास भी स्टार्टअप आइडियाज है, दे आर वेलकम, वी आर रेडी टू फंड. हर सैटरडे को हमारा एक तेलुगु मराठी शाला है और तेलुगु शाला भी है, तेलुगु बड़ी बड़ी मतलब स्कूल, तेलुगु टीच कर रहे हैं हम लोग एवरी संडे एंड एवरी सैटरडे मराठी, बिकॉज यहाँ पे लोकली तेलुगु लोग हैं जो मराठी नहीं आता है, नहीं आता है. हाँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. महाराष्ट्र में रह रहे तो मराठी आनी चाहिए, मराठी समझने भी आनी चाहिए. हम ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे लोगों को आप मराठी सीखो, आप मार्केट में जाओ तो मराठी में बात करो, आपको और सस्ता मिल जाएगा. मराठी मावशी ने बोला, मावशी कितने दिला, हाँ. तो 50 के से जो 40 में दे देगी. ये, 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 ये मैंने प्रैक्टिकली किया है, बिकॉज मैंने मराठी में खुद पढ़ा 12वीं तक. तो आई नो दिस. सो हमारे लोग अभी बोलते हैं कि चलो मराठी सीखेंगे. तो ये हम चाहते हैं. और जिसको तेलुगु नहीं आता है, इवन जो लोकल तेलुगु नॉन तेलुगु से, उनको भी तेलुगु हम सिखाएंगे. तो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ तेलुगु एंड मराठी. ये बहुत जरूरी है. ये अभी क्लासेस हमारा ऑफलाइन हो रहा है थाने में, आगे जाके ऑनलाइन भी करेंगे सबके लिए. ये बहुत जरूरी है. और अंजलि पिछले 2-3 महीने से हमारे साथ जुड़ गई है, तो उनके माध्यम से हमारे तेलुगु समाज में एक मॉडलिंग का एक नया दौर आ गया. सो फर्स्ट टाइम हमने इनको इंट्रोड्यूस किया तो बहुत लोगों ने, अरे ट्रेडिशनल है तेलुगु कम्युनिटी, थोड़ा ट्रेडिशनल है ये मॉडर्न में. तो इट वॉज गुड, उनको देख के लोग यू नो और भी उत्साहित हो गए. हाँ. और इतने लोग आ रहे हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनका पूरा टीम बना दिया अभी. सो एवरीबडी इज कमिंग. सो एक व्हाई नॉट, इवन यू आर मैरिड, यू आर इवन यू आर ओल्ड 50+, व्हाई नॉट, द फैशन इज इम्पोर्टेंट. सो यह सबका हक है. मतलब इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे लोग सभी फील्ड में बिलोंग करते हैं. एब्सोल्युटली, सभी फील्ड में हमारे लोग काम करें, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस में हो, या फिर कोई जॉब में हो, एजुकेशनल में हो. तो हमारे लोग सभी जगह पर काम कर रहे हैं. और इसी सभी लोगों को अगर कहीं साथ में मिलाना है तो एफटीएम इज द बेस्ट थिंग. यू नो एक प्लेटफॉर्म रहता है, तो एफटीएम इज द प्लेटफॉर्म टू ईच एंड एवरीवन. सब लोग यहाँ पे साथ में मिल सकते हैं, एक साथ कुछ कर सकते हैं. वी ऑल
together can grow big. I'll give one more example. Yes. One single woman is there. उनका हस्बैंड का कुछ तबियत ठीक नहीं है. सो वी सेड यू मेक प्रोडक्ट्स एंड ऑल अवर पीपल विल यू नो यूज इट राइट. व्हेन यू हैव ए नेटवर्क ऑफ पीपल इट बिकम्स इजी टू हेल्प पीपल. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है नेटवर्क की वजह से जो भी आपका मार्केटिंग होता है ना वो उससे बड़ा मार्केटिंग जितने भी आप स्ट्रेटेजीज बना लो जितने भी आप सोशल मीडिया पे डाल दो लेकिन जितने आप माउथ टू माउथ जाओगे या फिर एक नेटवर्क में आप जब तक काम नहीं करते तब तक आपका ब्रांड बड़ा नहीं होता है. Right. और मुझे लगता है कि आपने ये मिलकर एफएम की ओर से सभी ऐसे लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया है. Yes. सर ब्रेक से पहले जो नवरात्र के बारे में क्या कहते हैं उसे मैं फिर से एक बार बतकम्मा. सो बेसिकली जो मैंने कुछ वीडियोज देखे थे उसमें बहुत सारा क्राउड था. Right. तो ये साल का जो इवेंट है वो कहाँ पर होने वाला है और किस तरह से आपका वो उसके लिए प्लानिंग क्या चल रहा है? वही पे होएगा. लास्ट टाइम हमने MMRD ग्राउंड लिए थे. हाँ. तो MMRD ग्राउंड 4 acres का जगह है. अच्छा. एम्पल कार पार्किंग. हाँ. बाद में हम लोग ने सिर्फ उसको एक फेस्टिवल के जैसे नहीं किया. हाँ. एक सेलिब्रिटी अवार्ड फंक्शन के जैसा किया. अच्छा. कम्प्लीट महिला लोग का रहता है प्रोग्राम. हाँ. पूरा लेडीज का. तो इसके लिए लेडीज फोर्स पुलिस को मंगवाए, गाड़ी वैन बाहर रखा, इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स को बुलाए, बाद में ट्रस वगैरह जो है और स्टॉल्स भी रखे थे हमने, फूड स्टॉल्स. यानी समझो एक बार अंदर आया तो किसी को धूप लगता है, किसी को प्यास लगता है, किसी को खाने के दिल लगता है, क्यों 3 घंटा रहता है ना सब चीज अंदर. पाव भाजी, मिर्ची भाजी, क्या हर थिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी. हाँ. बाद में स्टॉल्स भी था, एक हॉस्पिटलाइजेशन उनको. हाँ. भी स्टॉल दिया. हाँ. एक सारी स्टॉल भी दिया. हाँ. मींस हम लोग जो भी करता है ना सबके लिए यूज होना चाहिए. और फ्री फूड भी हमने दिया था. हाँ, कंप्लीट जितने लोगों को हमारे तरफ से वो फ्री रहता है. स्टॉल्स में समझो मिडिल ऑफ द प्रोग्राम, समझो कभी कुछ भी लगेगा प्यास, हमने वाटर बॉटल भी रखता है, सब कुछ रखता है. मगर किसी को मैंगोला पीना है, लिमका पीना है, जाओ पियो, एंजॉय करो. बाहर नहीं जाना चाहिए. तो मतलब अगर यू नो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है या फिर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पे जाके मुझे पूरा जो प्रोग्राम भी है वो भी रिफ्रेश करना है, प्रोग्राम भी है वो भी एंजॉय करना और खुद के माइंड को भी फ्रेश करना. यस एग्जैक्टली. तो ये बहुत बड़ा स्टेप आपने उठाया है, बहुत अच्छा लगा. लेकिन एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सर आपके लिए. क्या आपको लगता है कि ऐसे सब चीजें करने के बाद जो भी हमारे सर ने भी बहुत मतलब एक दो बार यही वर्ड यूज किया कि आप ट्रेडिशनल कल्चर और लैंग्वेज प्रिजर्व कर रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि ये सब चीजें करने के बाद ये सब चीजें हो रही है? एब्सोल्युटली डेफिनेटली. जैसे कि अभी हम मंथली प्रोग्राम करते हैं, एवरी लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ वी डू अ स्मॉल कल्चरल प्रोग्राम. अभी सैटरडे को है जिसमें हर एक फैमिली बच्चे के साथ आता है. दे ब्रिंग सम तेलुगु फूड, साथ में खाते हैं तेलुगु फूड्स का फ्लेवर टेस्ट करते हैं, कुछ गाना वगैरह जोक्स वगैरह होते हैं तेलुगु में. और जिसको कुछ बोलना है, किसको कुछ प्रमोट करना है वहां पे हो जाता है. एंड सितंबर वो महीने के जितने भी बर्थडे वाले हैं उनका केक भी कट करते हैं हम लोग. तो दिस इज एवरी मंथ प्रोग्राम. अभी ये सितंबर का प्रोग्राम अभी थाना मानपाड़ा में है. तो इससे क्या होता है, वेन आप जो अपने फैमिली में यू मे नॉट टॉक मच तेलुगु बट सारे लोग रहते हैं तो देन यू टॉक तेलुगु. तो दैट बिकम्स यू नो फिर ट्रेडिशन बढ़ जाता है, रिकॉल हो जाता है. सो वो बोलेंगे नहीं बच्चे भी. तो वेन यू डोंट फॉरगेट जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर पहले से अभी से ही हाँ, एक हो जाता है और वो सब चीज़. फिर तेलुगु एक्टिविटीज है, तेलुगु प्रोग्राम्स है, तेलुगु कल्चर है, तेलुगु फूड्स है. और साथ में हम लोग लोकल फेस्टिवल्स भी हम लोग मनाएंगे. वी शुड जहाँ पे होता है ना जैसा देश वैसा बेस. हमारा कैसा है, तेलुगु आई मराठी मावशी. तेलुगु आंध्रा तेलंगाना इज अवर कर्मभूमि और मातृभूमि है. मातृभूमि या जन्मभूमि है, महाराष्ट्र हमारा कर्मभूमि है. सो वी आर कनेक्टेड विथ यू नो बोथ द प्लेसेस. और यहाँ के जो बच्चे वापिस हैदराबाद जाएंगे या उधर जाएंगे तो उनको तेलुगु नहीं आता है तो उनको दिक्कत होती है. वहाँ बस का नंबर नहीं मिलता है, कहाँ जाता है. सो व्हेन दिस चिल्ड्रन आर लर्निंग तेलुगु हियर, व्हेन दे गो बैक इट बिकम्स इजी फॉर देम. कि मुझे चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम मार्केट में जाएंगे उनको भी तेलुगु भाषा, क्योंकि तेलुगु भाषा हम लोग सिखा रहे हैं. तो वी आर डेफिनेटली 200% श्योर कि ये सब कार्यक्रम से हमारे जो ट्रेडिशन रिचुअल्स है वो आगे जाएंगे.
अगर ये नहीं करेंगे ना कोई भी समाज अगले 100 साल में वो कल्चर खत्म हो जाएगा। आई टेल यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हर एक कम्युनिटी को ये सब करना है। अभी हम लोग और एक नया डेवलपमेंट चालू कर रहे हैं, एक ऐप बनाने का प्लान कर रहे हैं ताकि इतने लोगों को अभी इकट्ठा करना है या तो फिजिकली इम्पॉसिबल है, तो हम लोग मोबाइल ऐप भी बना रहे हैं। ऑलरेडी थोड़ा सा स्टार्टिंग हो गया है। सो ये मोबाइल ऐप से सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे और अपना हॉबीज, जिसको जो हॉबीज है उसमें ही काम करो। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग एंड आई इन्वाइट एवरीबडी टू कनेक्ट एफ टाइम टू ऑल द तेलुगु पीपल, ऑल द तेलुगु फ्रेंड्स इन योर सर्कल, सो दैट हेल्प अस टू रीच यू नो एवरी तेलुगु पर्सन इन महाराष्ट्र। दैट इज आवर टारगेट एंड आवर मिशन। Sure. So basically हमने FTM के बारे में बहुत जानकारी ली, बहुत बातें पता चली, किस तरह से तेलुगु कल्चर जो है, तेलुगु रिचुअल्स जो है, वो सब फॉलो कर रहे हैं लोग और किस तरह से वो आगे लेके जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत सी बातें हमने आज की। लेकिन अब जो FTM के ब्रांड एम्बेसिडर है उनके साथ भी बातें करनी है। और अशोक सर प्लीज। इसका प्रूफ हुआ है जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से लोग आते हैं, जैसा फॉर जॉब बैंकर्स हो या आईटी वाला हो, आजकल ज्यादा ट्रांसफर होता है राइट। वो हमारा हैड देखता है। लास्ट ईयर बतकामा में ना सर हम लोग आज तेलंगाना से आया, हम लोग पलाना जगह पे रहता है, तो वी कैन बी ज्वाइन या मोस्ट कुछ फ्री है, हम लोग फ्री रखते हैं सब कुछ, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग फ्री, तो नो एंट्री फीस नथिंग। मगर ये एग्जाम्पल प्रूव हो रहा है कि वहां से लोग जो है ना वो मिस कर रहा है, मतलब फेस्टिवल मिस कर रहा है, तो हम लोग का एड देख के आ रहा है, ज्वाइन हो रहा है। सो यस डेफिनेटली, मतलब जो भी हमारा मकसद था वो सफल हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो हमारे दिन के दिन वो बढ़ रहा है, यस मतलब जो कम्युनिटी है वो सब लोग दिन के दिन आगे जाके वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। सो ये मतलब यू नो ये एक सक्सेस की एक स्टेप हम लोग आगे चढ़ चुके हैं। कई लोग तो होटल के लिए मैं आ रहा हूँ कहाँ पे है गाइडेंस के लिए भी फोन करते हैं, यूट्यूब में या वेबसाइट में देख के गूगल इतना फेमस है। डेफिनेटली। सो FTM के ब्रांड एम्बेसिडर होना भी बहुत बड़ी बात है। सो जिस कम्युनिटी में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस कम्युनिटी में मोर देन थाउजेंड्स के ज्यादा आगे जाके सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, प्रोग्राम्स इतने हो रहे हैं, वो कम्युनिटी के ब्रांड एम्बेसिडर बनना और वो जो फेस है वो सबके सामने लाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अंजलि मैम बीइंग अ ब्रांड एम्बेसिडर, जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली व्हाट वाज योर रिएक्शन और क्या फीलिंग थी वो? हेलो नमस्ते, आप सबको पता है मैं एक मॉडल हूँ एंड ऑर्गेनाइजर। मैं पहले साउथ में जाती थी, मतलब गेस्ट के लिए जाती थी, मतलब कोई भी बुलाए तो। बट दिस टाइम जगन सर ने कॉल किया मुझे कि अंजलि मैम आपका मतलब ये मॉडल इंडस्ट्री है, ये भी हम लोग को चाहिए, मतलब तेलुगु पीपल में आना चाहिए और मतलब लेडीज को और आगे लेके जाना चाहिए। तो मैं खुश हो गई, चलो सर हम लोग एक फैशन शो करते हैं। बट सर ने बोला नहीं, पहले आप एक कुछ लो, नेम लो, फिर बाद में इसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसिडर बनाया, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। थैंक यू सो मच सर। और AK सर तो प्रमोशन है उनका पूरा, मतलब यूट्यूब में ये सारे फेमस कर दिया मुझे। तो ज्वाइन हो गई मैं, फिर सारे जो भी एक्टिविटीज है जो फैशन शो का हो हमारा या और भी कुछ, मतलब लेडीज को मतलब मोटिवेशन करना, ये सब काम मैंने लिया है। तो अभी अभी हम लोगों ने जो इवेंट किया है मतलब काशीनाथ गानेकर में, वो भी आपने देखा होगा। yes. बहुत सक्सेस था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे कि आप एंकरिंग कर रहे हो क्या? मेरे साथ दोनों हम लोग बट वो एंकरिंग नहीं था, हमारा फैशन शो ही था। बट लॉट ऑफ फेमस दैट शो। सो बेसिकली बीइंग अ ब्रांड एम्बेसिडर, इट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों तक मैं पहुंच रही हूँ, लेकिन लोगों तक मुझे कुछ अच्छा भी पहुंचाना है। So, ये बहुत बड़ा टास्क रहता है। लेकिन मैम बीइंग अ लेडी, मैं ब्रांड एम्बेसिडर का हम लोग छोड़ देते हैं, बीइंग अ लेडी, जब आप भी आपके स्टेट से अलग यहाँ पे महाराष्ट्र में जब रह रहे हैं और ये सब कम्युनिटी के बारे में आपको पता चला कि ऐसे कम्युनिटी है, ऐसे कम्युनिटी काम कर रही है, तो वो क्या फीलिंग्स रहती थी कि चलो हमारी कुछ कम्युनिटी है, हमारे लिए कुछ काम कर रही है, तो वो फीलिंग्स क्या रहते हैं?
वो फीलिंग तो मुझे पहले से ही है, मैं तो पहले से ट्रेडिशनल हूँ, यू नो, मतलब जहाँ पे भी मैं मॉडलिंग करती थी साउथ वियर ऑल, मतलब अपना ट्रेडिशनल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यही हमारा टारगेट है। सो जब भी मैं किसी को भी मिलती हूँ लेडीज को, मतलब अपना ट्रेडिशनल यूज करो, बस वही बताती हूँ। सो बेसिकली जो है हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, वो हमें ही खुद को पहले फॉलो करना है। और बेसिकली फैशन इंडस्ट्री के बारे में अगर बताया जाए तो यू आर द इन्फ्लुएंसर्स, सो बीइंग अ इन्फ्लुएंसर और बीइंग अ मॉडल, आप जो भी चीजें प्रिटेंड करते हो वो लोग आपको फॉलो करते हैं उस हिसाब से। या फिर बहुत बार ऐसे कहा जाता है ना कि शी इज अ मॉडल बट शी फॉलोज ऑल द रिचुअल्स, जो भी है ट्रेडिशंस जो है वो फॉलो करती है। सो एक ऐसे एक अलग से इमेज अपने आप पहले से ही बन जाती है। तो जैसे कि अभी हम लोग अंजलि माचा के बारे में बात करते हैं, तो उनका वो जो साउथ वाला अटायर जो है वो ही सबके सामने आ जाता है, तो एक वो बहुत बड़ी बात है कि आपने वो अटायर में भी आपने ऐसे खुद को रखा है सामने, लोगों के सामने। और डेफिनेटली आप भी एफटीएम के लिए बहुत कुछ आगे करोगी, लेकिन मैं सर से पूछना चाहूंगी कि अंजलि मैम के बाद के इवेंट्स और अंजलि मैम जब आपके साथ में है तो आप क्या कहना चाहोगे? हम चाहते है कि वट एवर यू से यू फॉलो फर्स्ट, then you tell others, then you know they will also follow you. Yeah, exactly. So Anjali is herself is a model and she is the organizer, and when she comes forward she is also a homemaker. And when a homemaker can do all those things and she can maintain herself, why not we? Yes, ye prashna aata hai sabko. Yes. So then you come, there is a platform. Yeah. So glamour actually kya hota hai na, glamour sabke paas hota hai, उनको मतलब प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, मतलब आपको प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है ना, खुद को कैसे हम प्रेजेंट करते हो सबके सामने। एक वुमेन होती है, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में होती है, एक मॉडल होती है, आप देखते हो मतलब अलग मॉडलिंग में भी अलग अलग होता है, जैसे वुमेन्स का या लेडीज का, गर्ल्स का, किड्स का। तो अभी मेरा कैरेक्टर क्या है, वुमेन्स का, सो मैं वैसे ही चलूंगी ना। एग्जैक्टली मैम, सर हम सब लोग एफटीएम के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि ये सब आप आगे लेकर चल रहे हो, अभी ये आगे जो है इसका विस्तार जो है वो बहुत बढ़ रहा है, कैसे फीलिंग आ रहे हैं, और जो भी हमारी कम्युनिटी आप उनसे क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली बेसिकली हर एक आदमी को कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है, फिर वो प्लेटफॉर्म मिलने के बाद, बनाने के बाद सक्सेस होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ जाए इसमें, इसको और आगे ले जाए, क्योंकि ये चलना चलते रहना चाहिए। हम रहे न रहे, एफटीएम शुड बी देयर, एंड उसको नई नई दिशा है, नई नई एक्टिविटीज। अभी हमारे पास एक्टिव वॉलंटियर्स 100 के ऊपर है, एक्टिव मतलब अभी फोन करूंगा तो बाकी आएंगे, क्या बात है, सो पूरा महाराष्ट्र में। तो ये एफटीएम को हम हर एक पिन कोड एरिया पे लेके जाना चाहते हैं, एवरी पिन कोड एरिया में जितने भी तेलुगु कम्युनिटी है, जैसे कि अभी चंबूर है 0071 तेलुगु समाज बहुत बड़ा है, तो हर एक पिन कोड एरिया या हर एक सब एरिया में भी तो हम तेलुगु समाज को जागरूक करना चाहते है। एंड हर एक आदमी के पास करने की इच्छा रहती है, लेकिन उनको थोड़ा सा वो टटोलने वाला नहीं है, तो एफटीएम इज देयर, यू नो, जा भाई जा, चलो चलो कुछ तो कर, यू हैव समथिंग, एब्सोल्युटली। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल, मेनी पीपल आफ्टर द एज ऑफ से 60 व्हेन दे रिटायर, दे हैव सो मच टैलेंट, इतना टैलेंट रहता है उनके पास, वो फिर चार दीवार में बंद हो जाता है, और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड वी आर द प्लेटफॉर्म, एफटीएम इज द प्लेटफॉर्म, मतलब एज, देयर इज नो एज लिमिट, इसको और एक बेस बनाना चाहता हूँ, हमारा एक जो सीनियर सिटीजन होम प्रोजेक्ट है, उसमें ये हमारा है कि जितने भी सीनियर सिटीजन है उसका कॉल सेंटर बनाना चाहते हैं हम, क्या बात है, सो उनको भी ड्यूली एम्प्लॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इतना पास इतना नॉलेज है, कोई लॉ से है, कोई डॉक्टर है, कोई मेडिसिन है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है, कोई IAS है, कोई IPS है, इनके पास इतना नॉलेज है, ये नॉलेज कंबाइन करने के बाद देखो कितना बड़ा है ये, हर एक आदमी 30-40 साल काम करने के बाद कितना नॉलेज होता है। हम चाहते हैं कि आगे जाके किसी के पास भी कोई प्रश्न है, यू कैन पुट इन आवर ऐप, कोई ना कोई सीनियर सिटीजन उसको एक्सेप्ट करेगा, एंड दैट पर्सन विल पे 100 रुपीज, एंड 50 रुपीज विल कम टू द सीनियर सिटीजन, सो दैट ही विल आंसर द क्वेश्चन। सो दिस इज माई ड्रीम, दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू, एंड दिस विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट, बिकॉज वो सीनियर सिटीजन को भी ड्यूली बिजी करना बहुत जरूरी है,
नथिंग मनी, उसके पास पैसा है या उसका जो रिटायरमेंट है, बट उसको एक्टिव करना बहुत जरूरी है. और एक प्रोग्राम आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर, हमारे पास है यस प्रोग्राम, यूथ फॉर एवरी सीनियर सिटीजन. हर एक सोसाइटी में, हर एक कॉलेज का बच्चा, एक अपने सोसाइटी का जो भी सीनियर सिटीजन है, जो सिंगल है, अकेला है, या जिस हस्बैंड वाइफ है, उनके साथ दोस्ती करे. उनके साथ हर एक वीक में आधा घंटा जाके चेस गेम करे, थोड़ा वॉक करे, या कोई पिक्चर पे जाए, तो उसको हम सर्टिफिकेट देना चाहते हैं. क्या बात है. उसका दो फायदा है, उसको लड़के को भी या द बॉय और द गर्ल, उसको नॉलेज मिल जाएगा सीनियर सिटीजन का. और सीनियर सिटीजन को इसका जो टेक्निकल नॉलेज है, नया नॉलेज है, उसको मिल जाएगा. दे विल गेट वेरी बिग गुड फ्रेंड्स. उसमें कुछ खर्चा नहीं है. और मुझे लगता है इससे आगे जाके एक रिलेशन मेंटेन होता है. दैट इज द मेन थिंग. बहुत से बच्चे रहते हैं जिनके नाना नानी या दादा दादी उनके साथ नहीं रहते, उनको वो प्यार मिलेगा. और जो जो ओल्ड एज लोग हैं उनको, उनके पास उनके जो पोता पोती है, उनका प्यार मिल जाएगा. अभी क्या हो गया, एटलीस्ट हमारे कम्युनिटी में, बहुत सारे कम्युनिटी में, एक तो बच्चा अमेरिका में, एक दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, एक जापान में है, तो ये सोसाइटी इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. तो ये हम चाहते हैं कि ये इसको एस प्रोग्राम बोलते हैं हम. तो ये प्रोग्राम को अभी हम लोग लॉन्च करने वाला है. दिस इज ओपन टू ऑल द पीपल, नॉट ओनली तेलुगु बट ऑल द पीपल. तो हर एक कॉलेज को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं. दो तीन कॉलेज से बात किया है और एनएसएस स्टूडेंट से बात किया है. ये इसको बहुत बड़ा करना है इसको. दिस इज गोइंग टू चेंज द थिंग इन अ बिग वे. देयर इज नो मनी ट्रांजैक्शन. इसमें किसी को कुछ देना नहीं है, अपने सोसाइटी में करना है. और उसको एक डायरी मेंटेन करना है, 100 मीटिंग्स करना है, एंड वी विल गिव हिम सर्टिफिकेट. अच्छा, दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. वी वांटेड टू अलग सोशल कनेक्ट बोलते हैं जिसको. सोशल कनेक्ट कहते हैं. एक ये बहुत जरूरी है क्योंकि समाज में क्या हो रहा है, एम्पैथी नहीं है किसी के बारे में. कोई सीनियर सिटीजन का प्रॉब्लम समझ नहीं रहा हो. व्हेन द यूथ इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उसको पता चलेगा हाउ टू डील विद हिज पेरेंट्स. या एग्जैक्टली. सो ही अंडरस्टैंड्स, यू नो, व्हेन माय फादर इज एट दैट एज, आई विल हैव टू बिहेव दिस वे. सो एक समाज में एक बैलेंस ऑफ सिचुएशन हो जाएगा. एक हमारा एक कोशिश है. एंड सो स्लोली स्लोली हम करने वाले हैं. सो बेसिकली मुझे लगता है एफएम के और से बहुत ही बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आने वाले हैं और जो अभी भी चल रहे हैं. सो बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तीनों ने भी यहाँ पे दी. एंड थैंक्स टू अंजलि मैम की, उनकी वजह से मैं पूरे एफएम के साथ यहाँ पे आज कनेक्ट हो चुकी हूँ. सो आचार्य 90 FM हमारा भी एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में काम करते समय हमारी कम्युनिटी को प्रमोट करना या फिर कम्युनिटी के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना, इट्स आवर वर्क, इट्स आवर ड्यूटी. सो आज आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छी जानकारी एफएम के बारे में दी, बहुत अच्छा लगा. सो सबसे पहले अंजलि मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स. एंड जगन सर, अशोक सर, आपको भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आज आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे साथ एफएम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात. इट्स आवर प्लेजर. वी रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आचार्य 90 FM एंड ऑल द लिसनर्स. एंड प्लीज कनेक्ट विद अस. जो भी हमारे लिसनर्स हमें अभी सुन रहे हैं, आई होप आपको ये कुछ अलग सुनने मिला कि ऐसे भी कुछ फाउंडेशन है, ऐसे भी कुछ काम हमारे हमारे आजू बाजू में ये सब होता रहता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है. बेसिकली बहुत बार ऐसे होता है. तो ये सब चीजें जो है आज हमें हमारे लिसनर्स को मुझे पता चली. सो वंस अगेन हमारा आज का ये पॉडकास्ट, हमारा आज का ये इंटरव्यू आपको कैसे लगा वो आप जरूर बताइएगा. एक्चुअली एफएम के बारे में बोलूं तो मतलब एक पेरेंट्स की तरह है ये लोग. मतलब किसी को कुछ काम नहीं है, मतलब सर तो ऐसे ना खींच खींच के लेके आते हैं, नहीं नहीं यहाँ पे आ जाओ, एफएम में आ जाओ, आप लोगों के लिए काम है. सो इनका ये देख के ना आई रियली अप्रिशिएट. मतलब पैसे नहीं देखते. मैंने एक बार पूछा था, सर चलो हम लोग अवार्ड शो करते हैं. मतलब आप तुम्हें तो पता ही है मतलब अवार्ड शो करना है सब इजी नहीं है. बट सर बोल रहे हैं नहीं, हम लोगों को किसी से पैसा नहीं चाहिए. चाहिए तो हम लोग अपने पॉकेट से डालेंगे बट सबको जिन्यून वालों को देंगे. सो ऐसी अच्छी अच्छी है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी. सो डोंट मिस इट. कमिंग टू FM एंड सपोर्टिंग. यस श्योर. मतलब ये बहुत ही बड़ी बात अंजलि मैम ने कही. सो हमारा ये आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा वो डेफिनेटली हमें बताएगा. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9167993999. वंस अगेन 9167993999. तो लिसनर्स हमारे आज के पॉडकास्ट में मैं आरजे कोमल यहीं पे आपकी रजा लेती हूँ. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. कहीं जाइए गमन, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. थैंक यू वेरी मच. Thank you.
आचार्य 90.4।